बताया हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने, कि यहाँ बाबा जी 9 साल के थे, यहाँ पे आए आए तब तो एक झोपड़ी थी खाली कच्ची, वो मेरे सामने बन के ये मंदिर सेठ जी ने बनवाया, ये सब सीताराम सेठ उन्होंने ये बनवाया। उस टाइम आज के 30 साल से ज़्यादा हो गया बने हुए, उस टाइम बिल्कुल छोटा था, एक कोठरी कच्ची थी। अब सेठ सीताराम पर नजरी करम हुआ, जो उनकी रिक्शा बैठाने पर उनकी लाख अरबों रुपए फैक्ट्री चल रही है। सीताराम सेठ राजा हो गए, वो रिक्शा चलाते थे आगरा में, तो वो बाबा जी बैठ गए उनके रिक्शा पे, चल दिए आगे जाके एक गली में उतर के और गली में घुस गए, और पोटरी थी उनके रिक्शा पर रह गई। तो रिक्शा चलाते थे, तो वो सीताराम कहने लगे ये बाबा जी पोटरी तुम्हारी है, तुम्हारी है। तो बाबा जी ने कहा हमारी कुछ नहीं, तेरी है, ले जा। तो आज वो राजा हो गए, अब रिक्शा नहीं चला, रिक्शा आज भी उनके कमरा पे टंगा है। पोटरी में क्या था? सोने चांदी था। सोने चांदी नहीं थी, लाख थी। आपकी अकीदा है, उनकी दुआ ले पास ले ले, ना ले पास कुछ बात नहीं। सच्चे मन से जो बाबा से गया झोली पसार के, वो भर के ही आया। अच्छा वे जहाँ भी गए उन्हें अपनों परिचय बाबा नीलकंठ के नाम से ही। छपरी नीलकंठ मंदिर, कारण क्या था? कारण बताइए। हनुमान जी की मूर्ति है, वो बाबा जी के हाथों से बनी हुई, जब बनी हुई है मिट्टी बनी हुई है, और उसी मूर्ति के सामने उन्होंने तपस्या की, उसी मूर्ति से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। हनुमान जी के साक्षात दर्शन उनको इसी मूर्ति में। कहा कि हमें आज अगर कुछ प्राप्त हुआ, नीप करोड़ी प्राप्त हुआ, हम जो भी हैं नीप करोड़ी बता लो, तो इसीलिए हर जगह बाबा नीप करोड़ी नाम से।